पूरा भारत देश रानू माँ को सलाम कर रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बॉलीवुड में सिर्फ हिमेश रेशमिया ही बचे हैं जो रानू माँ के साथ खड़े हैं? कोई क्यों बड़ा एक्टर, बड़ा सेलिब्रिटी रानू माँ के लिए दो शब्द कहने के लिए तैयार नहीं है? वैसे तो सुनने में तो अफवाहें बहुत आ रही है कि सलमान खान ने रानू माँ को 50 लाख का बंगला दिया और दबंग 3 में गाने का मौका दिया, और अक्षय कुमार भी अपनी आने वाली फिल्म में गाने का मौका देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कोई क्यों बड़ा एक्टर रानू माँ के लिए सोशल मीडिया के सामने आकर दो शब्द कहने को तैयार क्यों नहीं है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप नेहा कक्कड़ और रानू मंडल के सॉन्ग का कंपैरिजन मत कीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, नेहा कक्कड़ की आवाज़ भी दिल को छूने वाली और तारीफ़े काबिल है। रानू मंडल को मैं अपने चैनल के माध्यम से उस मुकाम पर देखना चाहता हूँ जिस मुकाम पर उनको पहुँचने का हक है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ खड़े होते देखना चाहता हूँ। अगर आप भी यही चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे तो मैं भी नेहा कक्कड़ और रानू मंडल का फैन हूँ, फिर भी मैं आपकी खुशी और आपकी दिल की तसल्ली के लिए इनके सॉन्ग का कंपैरिजन करके सुना देता हूँ, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किसकी आवाज में दर्द और मिठास नजर आता है। कहने दो इनको जरा खामोशियां, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हम सफर, ओ हम नवा, बेशक मैं तेरा हुआ। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त मैं तेरा हुआ। अंतर क्या दोनों की चाहने, बोलो एक प्रेम दीवानी, एक तरह से दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरह से दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाहने, बोलो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, एक प्यार का नगमा है जो रवानी है, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है। मत्था चुमया पहलाया, हाथ चुमे तेरे, ओ तेरे बुलना दी तारीफ पक्का कितनी होनी है। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए,
कुछ याद उन्हीं भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। नेहा कक्कड़ और रानू मंडल दोनों ही बहुत अच्छी सिंगर है। मैं आपको बता दूं, नेहा कक्कड़ आज जिस मुकाम पर बैठी है उस मुकाम के पीछे बहुत बड़ी मेहनत की गई है। अगर आपको नेहा कक्कड़ की दुख भरी कहानी जाननी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।